पावर। हरिओम। आज मधुराष्टकम के इस तीसरे सत्र में आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छोटा सा ईश स्तवन गा के हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरिः ओम। मथुराष्टकम का पहला श्लोक हम लोग गाएंगे, सिर्फ पहला श्लोक, पेज नंबर 232। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। तो इस पहले श्लोक में हम चिंतन कर रहे थे और उसमें से कुछ शब्दों के अर्थ हमने देखे। अधरम मधुरम, भगवान का, भगवान के ओंठ मधुर है, सुंदर है, और भगवान का मुख सुंदर है, ओंठ सुंदर है क्योंकि हमेशा उसमें स्मित हास्य होता है, और भगवान का पूरा जो देह है वो चिदानंदमय है, इसीलिए उनका अंग प्रत्यंग सुंदर है। वदनम, उनका मुख वद शब्द से बोलना भी होता है, तो इनके वचन, उनकी वाणी भी सुंदर है। उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं और वो बड़े चंचल नयनों वाले हैं। लाइट ऑफ करो। इट इज़ ब्लिंकिंग ग्लास, ट्यूबलाइट नंबर वन, नंबर वन। हाँ, सो उनके नेत्र सुंदर है, उसमें अपना एक सौंदर्य है, और नेत्र नय धातु से नेत्र बना हुआ है, जो हमको लीड करते हैं, जो हमको एक अपने गंतव्य तक लेके जाते हैं, उनको नय ऐसा कहते हैं, जो हमको लेके जाए अपने ध्येय तक। तो भगवान के नेत्र जो है हमको अपना अपना जो आनंद स्वरूप आत्मा है वहाँ पे लेके जाते हैं। हसितम मधुरम, हंसना मधुर है उनका, क्योंकि एक तो वो अपने भक्तों के मोह को दूर करते हैं, उनको मोहित करेंगे और फिर उस मोह को भी दूर करेंगे ज्ञान देके, या कहेंगे कि अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान वहाँ स्मित हास्य करते हैं, हंसते हैं और अपने भक्तों के हृदय में भक्ति को बढ़ा देते हैं। अभी कल हम लोग पहुँचे थे हृदयम मधुरम इसके ऊपर, तो इसके ऊपर अभी आज चिंतन करेंगे। हृदयम मधुरम, तो भगवान का हृदय मधुर है। अच्छा, अभी हृदय मधुर कब बनता है? कोई डॉक्टर है वो बोलेगा कि जिस हृदय में कोई ब्लॉकेज नहीं है वो हृदय
बड़ा मधुर है। हाँ, उसको कोई क्या बोलते हैं, उसको हार्ट बाईपास सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, या कोई स्टेंट वगैरह नहीं बैठाना है, वो हृदय बड़ा मधुर हृदय है, ऐसे कोई कह सकता है। लेकिन ये नहीं, फिजिकल हार्ट की बात नहीं है यहाँ पे। यानी जो दूसरों की संवेदनाओं को समझ सकता है, जो सबको अपने अंदर समा लेता है, जो सबको अपना मानता है, या जिसके हृदय में सबके प्रति प्रेम है, दया है, इसको ऑल एकोमोडेटिव हार्ट ऐसा कहते हैं, वो ही बड़ा सुंदर हार्ट है, मधुर हृदय है। तो भगवान का स्वभाव ही कैसे है, वो आकाश की तरह है। तो आकाश में जैसे सब चीज़ें समाहित होती है, और फिर भी आकाश और भी आए तो उसको भी अपने अंदर समा लेता है, जिसमें तारे या सूर्य, नक्षत्र, चंद्र, ये सभी ग्रह, हाँ, सब कुछ उसी आकाश में है, तो सबको अपने अंदर स्थान देता है। तो भगवान का हृदय ऐसा है, तो सबके लिए समान होते हैं, और सब जो भी उनकी प्रार्थना भक्ति करता है, तो उनको विशेष रूप से भगवान उनकी सेवा करते हैं, हाँ, उनके बन जाते हैं, और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे भगवान हैं। तो उनका हृदय कैसा है, बड़ा विशाल है और मधुर है। अच्छा, हृदयम मधुरम। अच्छा, अभी हमारा हृदय मधुर कैसे बनेगा? केवल तो यही गुण अगर हमारे हृदय में भी आ जाए, ऑल एकोमोडेटिवनेस, देन हमारा हृदय भी मधुर बन सकता है। अच्छा, तो सबको हम अपने हृदय में अगर स्थान दें, तो हमारा हृदय भी मधुर बन जाएगा। तो हमने एक कथा सुनी थी कि एक धर्मशाला थी, और सर्दियों के दिन थे, और पूरी धर्मशाला जो है वो भरी हुई थी, कोई वहाँ पे जगह नहीं थी रहने के लिए, और उसके कमरे भी बड़े छोटे छोटे थे, मुश्किल से एक आदमी वहाँ पे सो सकता है, ऐसे छोटे छोटे कमरे थे। तो ऐसी ठंड में एक आदमी उस धर्मशाला में जाता है, और वहाँ एक दरवाजे पे दस्तक देता है, तो इस छोटे से कमरे से वो व्यक्ति बाहर दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि आ जाओ अंदर। तो बोलेंगे, वो बोलते हैं कि हम एक यहाँ तो एक ही आदमी सो सकता है, लेकिन दो लोग बैठ तो सकते हैं, तो हम बैठ के बातें करेंगे, कि कुछ चर्चा करेंगे, भगवान की बातें करेंगे। तो उनको अंदर लेता है, अभी वो दोनों बैठ के वहाँ पे वो जगह को शेयर करते हैं। अभी इतने में कुछ समय के बाद एक तीसरा व्यक्ति भी आ जाता है, बोले हमको बहुत ठंड लग रही है, हमको भी जगह चाहिए। तो क्या कहते हैं, चलो आ जाओ, यहाँ पे दो ही लोग बैठ सकते हैं, लेकिन तीन लोग खड़े तो रह सकते हैं। बोले कम सो वी ऑल स्टैंड हियर। तो इसको क्या कहते हैं, हमारे हृदय में अगर जगह है, तो बाहर जगह अपने आप हो जाती है। इसीलिए एक बड़ा प्रसिद्ध सुभाषित है, जिसमें कहा है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो वहाँ पे छोटा हृदय और बड़ा हृदय, इसकी परिभाषा दी है। तो छोटा हृदय कौन है, किसका है? अयम निज पर वेति, जो ये मेरा, ये पराया, ये मुझे, ये तुझे, ऐसा जो करता है, ये बोले इसका हृदय कैसा है, छोटी, स्मॉल हार्टेड पर्सन, ऐसा कहेंगे। और उदार चरिता नाम, तो जिनका हृदय उदार है, उनके लिए क्या है, ये पूरी पृथ्वी ही उनके लिए कुटुंब बन जाता है, एक परिवार बन जाता है। और अपने परिवार के लोगों के लिए हमेशा हमारे मन में स्थान होता है, जगह होता है। हाँ, होता है कि नहीं? होना तो चाहिए। तो ऐसे, इसीलिए संतों के हृदय कैसे हैं, वो सबको समाते हैं, अपने में समा लेते हैं, सबको स्वीकार करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, क्योंकि उनका हृदय विशाल है। हाँ, अपने संत ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते थे, हे विश्वची माझे घर। हाँ, ये पूरा विश्व ही मेरा घर है। अच्छा, तो एक छोटा सा जो कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ, या ऐसा मेरा घर नहीं है, पूरी दुनिया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, सब
दुनिया वाले मेरे कौन हो गए, फिर सगे संबंधी हो गए, इसीलिए सबको मैं अपने अंदर स्थान दे सकता हूँ, सबसे मैं प्यार कर सकता हूँ। तो ये बड़ा हृदय, विशाल हृदय है, और ऐसा हृदय ही कैसा होता है बोले, मधुर होता है। हृदयम मधुरम। अच्छा, फिर और क्या कहा, जिस हृदय में कोई राग द्वेष नहीं है वो हृदय भी बड़ा सुंदर होता है। देखिए, हम देखते हैं कि कभी ट्रेन में या बस में अगर हम सफ़र कर रहे हैं और भीड़ है, तो उस वक्त कोई पराया आदमी वहाँ पे आपके पास आके खड़ा रह जाता है, और थोड़ी सी अगर आधा व्यक्ति बैठ सकता है, इतनी भी थोड़ी जगह है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पैर ऐसे पसार लेंगे और पूरी सीट को ऐसे ऐसे करेंगे जैसा कि कोई जगह नहीं है, चलो चलो भागो इधर से, ऐसा हम करते हैं कि नहीं। लेकिन वहीं पर अगर अपना कोई सगा संबंधी आ जाए, मित्र वहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई दिए, तो हम क्या करेंगे, अरे आ जाओ यार, आ जाओ, जो जगह है यार, एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो सीट वही थी, लेकिन एक व्यक्ति के लिए हमारे मन में जगह नहीं है, दूसरे के लिए बहुत जगह है। तो अंदर जगह होती है तो बाहर भी अपने आप हो जाती है। तो हमारे भारत में हम ऐसा अक्सर देखते हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह उसकी कैपेसिटी तो 3 लोग होते हैं, पीछे 3 बैठना है, आगे एक ड्राइवर के साथ भी कभी कभी बैठते हैं, बड़ा मज़ा रहता है वैसे ट्रैवल करने में। तीर्थ क्षेत्रों में वगैरह आप जाओ तो सब ऐसे घुस घुस के बैठते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, 3 की जगह कितनी बिठाएंगे वहाँ पे, छः छः सात सात लोग इस छोटी सी ऑटो में बैठ के, और ड्राइवर के दोनों तरफ ये दो 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 लोग भी बैठे हुए, पता नहीं चलता कि वो रिक्शा ड्राइवर कौन है और सवारी कौन है। तो मेरा भारत महान। तो ऐसा है, तो शायद वहाँ पे बात अलग होगी, वो पैसा का कमाने के लिए करता होगा, बट हम कहेंगे कि जहाँ पे अपनापन होता है वहाँ पे जगह भी अपने आप हो जाती है। अच्छा, अभी और एक यहाँ पे चिंतन ये बताया है कि इस हृदय के बारे में गुरु जी कहते हैं कि कभी कभी हम गुस्सा करते हैं और गुस्से में जोर जोर से बात करते हैं। अभी गुस्सा आने के बाद व्यक्ति जिस पे हम गुस्सा कर रहे हैं वो भी हमारे सामने खड़ा है, वे कमरे के बाहर या कहीं दूर नहीं है, तो जोर से बात करने की आवश्यकता नहीं होती, वो सुन सकता है। लेकिन फिर हम जोर जोर से क्यों चिल्लाते हैं जब गुस्सा आता है? तो उन्होंने कहा कि जब हम गुस्सा करते किसी के ऊपर, तो टेम्पररी ही सही, उसको हम अपने दिल से दूर रख देते हैं, दूर कर देते हैं, कीप हिम अवे फ्रॉम आवर हार्ट हार्ट। अच्छा, तो जब कोई आदमी दूर होता है, व्यक्ति दूर होता है, तो उससे बात करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमको जोर से बोलना पड़ता है ना, चिल्लाना पड़ता है। अगर 100 मीटर कोई दूर है तो आई हैव टू शाउट, ए इधर आ, ऐसे करके। कोई बोलेगा मोबाइल लेके बात करो ना, कॉल करो उसको, वो अलग बात है। तो हम उसको हृदय से बाहर रखते हैं, इसलिए शाउट करते हैं। अभी विपरीत परिस्थिति, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, अच्छा, तो उनके साथ कैसे बात करेंगे? दो प्रेमी अगर बात कर रहे हैं, आपने अगर लाइफ में किया होगा प्रेम तो आपको पता होगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, नहीं तो फिल्मों में तो हम देखते रहते हैं, तो कैसे एकदम चुप चुप के वहाँ पे हल्के हल्के से बात करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलता दो लोग बात कर रहे हैं, इतना सॉफ्ट वहाँ पे वो संवाद चलता है। अच्छा, और कभी वो फ़ोन पे भी बात होती है, अगर बहुत बार जब वो मंगनी होती है ना, मंगनी बोल देना उसको, एंगेजमेंट होता है, और फिर शादी के लिए 6 महीना है, एक साथ बाकी है 1 साल, तो वो दोनों मंगेतर एक दूसरे से कैसे बात करेंगे फ़ोन पे? तो उसी एक ही कमरे में सब लोग बैठे हुए हैं और वो वहाँ पे अमेरिका में बात कर रहे हैं, भारत से अपने मंगेतर से बात कर रही हैं, तो दोनों बात करते, लेकिन किसी को समझ भी नहीं आता है क्या बात चल रही है, लेकिन उसको समझ में आता है वहाँ पे। तो वैन हार्ट्स आर क्लोजर वर्ड्स इवन वैन वी स्पीक सॉफ्टली दे आर अंडरस्टूड। ओके,
और जब बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम होता है तो फिर बात करने की भी आवश्यकता नहीं होती, यू नो नॉट स्पीक, इतना ट्यूनिंग हो जाता है एक में, हृदय जब हृदय से हृदय मिल जाते हैं तो फिर वी नीड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड, दे कम टू दे कम्युनिकेट विदाउट स्पीकिंग ऑल्सो। तो ये ऐसा है, तो जब हमारा हृदय जो है तो उसमें वो मधुर तभी होगा जब सबको अपने अंदर वो समाया समा लेगा। अच्छा। और एक प्रसंग हमको याद आया कि भगवान का हृदय मधुर क्यों है, कि वो शिशुपाल वध की जो कथा है वहाँ पे शिशुपाल ने 100 अपराध किए ना, उसके बाद उनको भगवान ने कहा था उनकी माँ को कि मैं उसके बाद मैं उसको मार डालूँगा, अच्छा या उसका वध करूँगा। तो 100वां अपराध जब किया, कोई गाली दी उनको, तो उसके बाद सुदर्शन चक्र लेके उन्होंने उनका शिरच्छेद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, बोले उस शिशुपाल के जो आत्मज्योति है, उनके प्राण जो है, वो बोले भगवान के हृदय में समा गए। तो भगवान ने उनको अपना स्वरूप दे दिया, यानी वो भगवान का हृदय कैसा हो गया फिर, मधुर है ना। तो दुष्ट व्यक्ति भी है उसको उन्होंने अपने हृदय में स्थान दे दिया, हाँ अपना स्वरूप दे दिया। तो ऐसे भगवान है, तो इसीलिए उनका हृदयम हाँ मधुरम। अच्छा, एक कथा हमने गुरुजी से सुनी थी, वो है जीसस क्राइस्ट के बारे में। तो कहते हैं कि एक घटना ऐसी हुई कि एक कोई लेडी थी, उनका नाम मैरी मागदालीना ऐसा पता है, बताया जाता है। तो उनको पत्थर मार के वो उनको मारने की ऐसी सज़ा मिली थी, क्योंकि उन्होंने कुछ अपराध किया था, कुछ उनका चरित्र ठीक नहीं था, तो उन लोगों ने उनको ये सज़ा दी। तो उस वक्त वहाँ पे वो जीसस क्राइस्ट पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि वो व्यक्ति पहला पत्थर उठाए जिसने अपने जीवन में कोई भी अपराध नहीं किया हो। तो जब उन्होंने ये सुना तो किसी ने भी पत्थर नहीं उठाया, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो अपराध किया होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि खुद जीसस क्राइस्ट चाहे तो पत्थर फेंक सकते थे उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने कभी अपराध नहीं किया था, क्योंकि वो संत थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बोले क्यों? क्योंकि उनका हृदय विशाल है, हाँ तो निष्पाप है, ऐसा पवित्र है, ऐसे हृदय वाले वो थे। तो इसीलिए कहा कि एक वाक्य बड़ा सुंदर वाक्य है कि बोलते हैं कि सीक नॉट द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड बट प्योरिटी ऑफ अ सेंट। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु है, बड़े इनोसेंट होते हैं ना, निरागस ऐसा हमें मन तो मराठी, अच्छा क्योंकि वो इनोसेंट है, उनको अभी संसार की हवा लाइन लगी हुई है, तो उनकी हर हरकत हमको आनंद देने वाली होती है, बड़ी शुद्ध होती है, पवित्र होती है। लेकिन एक संत होता है वो कैसा है, वो सब अवस्थाओं से गुजरा हुआ है, उन्होंने अच्छे बुरे सब अनुभव लिए हुए हैं, लेकिन सभी विकारों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की है और अभी उनका हृदय बहुत ही पवित्र हो गया है। तो हमको क्या करना चाहिए, बोले ऐसा संत वाला हृदय हमको प्राप्त करना चाहिए, सीख करना चाहिए। क्योंकि ये बच्चा जो है अभी इनोसेंट है, लेकिन जब जैसे जब बड़ा हो जाएगा तो अपना रंग दिखाता रहेगा, हो सकता है कि वो फिर से गड़बड़ काम करे। लेकिन एक संत है कभी अपने उस पद से नीचे नहीं उतर सकते, इसीलिए उनका हृदय कैसा है, बोले मधुरम है, मधुरम। तो ऐसा शुद्ध पवित्र हृदय हमको भी मिले, इसके लिए हमको भी प्रयत्न करना चाहिए, और फिर ऐसा हृदय जो है वो क्या होगा, मधुरम हो जाएगा, मधुरम। हाँ, गमनम मधुरम, उसके बाद क्या कहा, गमनम मधुरम।
तो भगवान का चलना, गमन है गच्छति, गम गच्छति जाना, वो कहते हैं कि बड़ा सुंदर था। तो चलने की सौंदर्य यानी क्या, कि उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। आजकल वो चलने की ट्रेनिंग देने वाली भी कुछ संस्थाएं हैं, और विशेष करके जो कैट वॉक वगैरह जो होता है ना, फैशन शो, उसके लिए एक विशेष प्रकार से चलना पड़ता है, कमर मटका के और एक फिर के आगे दूसरा पैर ऐसा ऐसा करके वो चलते रहते हैं, और पैरों में दो दो बांबू लगा के ऐसे वो चलते रहते, टको 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 करके ऐसे। तो अपने अपनी कला है, और उसके लिए करोड़ों लोग खर्चा करते हैं अपने, क्या है उसको कहेंगे, कपड़ों का वहाँ प्रदर्शन करने के लिए। तो अगर ऐसे आप चल सकते हैं तो बाहर से हाँ अच्छा है, नो डाउट, लेकिन ये उसको हम मधुरम नहीं कह सकते हैं। तो मधुरम यानी कैसा, केवल शारीरिक दृष्टि से चलना और अच्छा चलना, रास्ते में नहीं गिरना, ये एक बात हो गई, लेकिन मधुरता कब है, लेकिन जब हम किसी के लिए, किसी की मदद के लिए जब हम चले, तो ऐसा चलना बड़ा मधुर होगा। कोई संकट में है और हम उसको मदद के लिए जाए, उसकी मदद के लिए जाए, तो वो गमनम ही बड़ा मधुर गमन है। और भगवान ने ऐसा ही किया ना, जब जब उनके भक्त संकट में थे और उनको पुकारते थे, तो भगवान तुरंत दौड़ के भाग के चले जाते थे उनको बचाने के लिए। तो ऐसे भगवान का गमनम जो है बड़ा मधुर है। क्यों? क्योंकि उससे उनके भक्तों की रक्षा होती थी। अच्छा, तो इस दृष्टि से वो मधुर है। तो एक प्रसंग है, बहुत सारे प्रसंग एक क्यों, तो जब पांडव लोग वन में थे ना, वनवास में थे ना, तो उस वक्त वहाँ पे जानबूझ के, वो कहते हैं दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेजा उनके घर में भिक्षा के लिए, और ऐसे समय भेजा जब उन सबका खाना पूरा हो चुका था, और जो उनके पास कुछ ऐसा अक्षय पात्र या कुछ तो था, द्रौपदी जी के नहीं, द्रौपदी जी के पास, कि जब तक वो सबको परोसने के बाद वो खुद नहीं खाती, तब तक अनलिमिटेड खाना उसमें से मिलेगा, लेकिन उनके खाने के बाद उस वक्त खाना और नहीं मिलेगा, उस दोपहर का या शाम का जो भी। तो उनका जब खाना हो गया, और जिस शायद उसी वक्त वहाँ पे उनका दुर्वास मुनि का SMS आया उनको, कमिंग फॉर डिनर, कमिंग कमिंग फॉर लंच आफ्टर टेकिंग बाथ, प्लीज़ कीप लंच रेडी, और मेरे साथ कितने लोग हैं, मेरे हजारों भक्त भी साथ में आएंगे। अरे बाबा, हालत खराब था उपजी। तो उन्होंने बोले अभी क्या करें, तो उन्होंने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, किसका स्मरण किया, अरे गोविंद आ जाओ हमको बचाने के लिए भगवान। तो भगवान तुरंत आ गए, बोले भूख लगी है कुछ खिलाओ, खिलाओ किया, यहाँ पे देखो ये दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं और उनको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तेरा प्लेट तो दिखाओ अपनी। तो उन्होंने प्लेट दिखा दी, हाँ, जो भी उनका जो पात्र था, और उसमें उन्होंने देखा कि केवल एक दाना, जिसको हम क्या कहेंगे, वन एक गोटो मंटा कोकणे, हाँ, तो जैसे शीत मंटो मराठीत, एक ही चावल का एक दाना बाकी था, कुक्ड राइस, तो वो बस मेरे लिए इतना काफ़ी है, बोला उन्होंने, खा लिया। और वहाँ पे दुर्वासा ऋषि ने ढकार दी, तृप्ति की ढकार दी उन्होंने, हाँ, और ये यहाँ पे संकट से बच गए। और जब उनके क्या भीमसेन वहाँ पे उनको बुलाने के लिए जाते, आ जाओ खाना तैयार है, बोले नहीं, हमारा पेट भर गया, और वो चले गए। तो ऐसे भगवान है कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए गमन करते हैं। तो ये गमन कैसा है, बड़ा मधुर है। अच्छा, अभी राम अवतार में भी हम ये देखेंगे कि जब अवतार समाप्त हुआ तो, और भगवान सरयू नदी में प्रवेश करने लगे, बोले अभी हम अपने स्वधाम गमन करेंगे, तो वहाँ के जो लोग थे अयोध्या वासी, वो बोले हमको भी आप अपने साथ लेके जाइए,
तो वैसा अगर हम देखेंगे तो उनको तो साथ बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए। बोले क्यों? इनकी हालत बड़ी ख़राब कर दी थी उन्होंने, है ना। उनको अपनी पत्नी से अलग किया, उन पत्नी के ऊपर बहुत लांछन लगाए। अच्छा, और कोई होता तो बोले चकमार मंटा चले। तो लेकिन वो भगवान तो भगवान है, उनका दिल बड़ा है। तो उन्होंने बोले आ जाओ सब लोग हमारे साथ। अभी अभी रामायण का एपिसोड ख़त्म हुआ है, वो मैंने देखा था, बड़ा सुंदर था, वेरी टचिंग सीन। तो सब लोग उनके साथ जाते हैं और भगवान उनको अपना धाम देते हैं, साकेत धाम में उनको आश्रय देते हैं। तो ऐसे भगवान है। तो उनका गमन कैसा है? गमनम मथुरम। अच्छा, तो ये है गमनम मथुरम। और कब गमनम? भगवान की जब बाल लीलाएं होती हैं तो उस वक्त जब भगवान चलते हैं तो चलना भी भगवान का कैसा है? मथुर है। तो भगवान राम के बारे में एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, वो छोटे थे बेबी राम, तो वो जब कैसे चलते थे, तो गोस्वामी जी ने उनका सुंदर गीत के माध्यम से वर्णन किया है। आइए हम उसको गाते हैं। कौन सा गीत है? हाँ, ठुमक चलत रामचंद्र। और ये कौन से पेज पे है? अगर पेज नंबर 74 पे है भजनावली में। अच्छा, चाहे तो आप दे सकते हैं, देख सकते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, गिरत भूमि लट पटाय, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ किरनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, बोलत मुख मधुर मधुर, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभगनासिका में चारु, सुभगनासिका में चारु, लटकत लटकनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखारविंद, देख के मुखारविंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखारविंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत
जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो राम 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 सीता राम, बोलो बोलो राम 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 सीता राम, बोलो राम 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 सीता राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे भगवान के चरण जो है, भगवान का गमन जो है वो गमनम मधुरम। हाँ, तो और कौन सा है, और एक प्रसंग है, जब महाभारत युद्ध का प्रसंग है और भीष्म और अर्जुन के बीच में बड़ा घनघोर युद्ध हो रहा था और भीष्म पितामह एक के बाद एक ऐसे वहाँ बाणों की वर्षा कर रहे थे, अर्जुन का जीवित रहना बड़ा ही मुश्किल था, ऐसे उन्होंने वहाँ पे बाणों की वर्षा शुरू की। तो उस वक्त भगवान संकट आया। मेरे ख्याल से अगर भगवान का कोई टेंस्ट, अगर कोई फोटो होगा या सिचुएशन होगा जीवन का, तो वो एक ही होगा। बाकी सब वो जयद्रथ है ना, जयद्रथ का वक्त था उस वक्त, वो सूर्य ग्रहण वगैरह हुआ। उस वक्त भगवान को पता था कि सूर्य ग्रहण होने वाला है तो अर्जुन को कुछ नहीं होगा, ही वॉज रिलैक्स्ड। बट इन दिस सिचुएशन, मे बी ओनली वन सिचुएशन, कि वो थोड़े से अनकंफर्टेबल थे, क्योंकि ये भीष्म पितामह तो हाँ बड़े पावरफुल है। तो अभी कैसे बचाया जाए अपने भक्त को? तो जब अर्जुन से नहीं संभाल पाया तो भगवान खुद रथ से नीचे उतरे, सारथी थे, और उन्होंने वहाँ पे एक चक्र गिरा हुआ था रथ का, वही उठाया अस्त्र के रूप में, रे करके वहाँ पे क्या भीष्म पितामह के सामने चले गए। हाँ, और भीष्म ने उनको नमस्कार किया, बोले हम यही तो आपका रूप देखना चाहते थे। ऐसा बड़ा सुंदर उनका वो प्रसंग है, उसके ऊपर बड़े सुंदर पेंटिंग्स बने हुए हैं, भगवान के बाल खुले हुए हैं और क्रोध है आँखों में। हाँ, और ऐसे ए करके ऐसे। तो भीष्म पितामह ने क्या कहा था, एक प्रतिज्ञा ली थी ना, मैं भगवान से अस्त्र उठा के रहूँगा, और भगवान ने खुद प्रतिज्ञा एक की थी कि मैं कभी लाइट के रिकनेक्ट कर शेयर कर दे। और भगवान ने खुद क्या किया था, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो किस गलत है पर स्टार्ट कर लाइव, ये भी गलना का थे, टाइटल भी गलना, जस्ट स्टार्ट इट एंड वाईफाई बंद पड़ लाला है, डेटा चर चालू कर। ओके या तो बीच बीच में वो नेट चला जाता है तो हमको पता नहीं चलता, तो यहाँ पे अभी रीस्टार्ट हो गया। चलो, व्यत्यय के लिए खेद है, रुकावट के लिए खेद है। अच्छा, तो ऐसा ये सुंदर प्रसंग है और भगवान ने क्या कहा, तो मेरा तो प्रण ही है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना वचन टले टले जाए भक्त का वचन न टलते देखा। तो भक्त की प्रतिज्ञा का उन्होंने आदर किया, सम्मान किया, और खुद वहाँ पे दौड़ पड़े अस्त्र लेके। अच्छा, तो वो गमन जो है वो क्या है, बड़ा सुंदर है। एक तो भक्त की रक्षा की, एक भक्त की, और दूसरे भक्त की प्रतिज्ञा का भी आदर किया, सम्मान किया।
ऐसा गमन है, बड़ा सुंदर है। और एक भजन है जिसमें बहुत सारे भक्तों को भगवान ने किस प्रकार बचा लिया है गमन करके जाके, तो उनका वर्णन है। तो ये सूरदास जी का गीत है, उसको हम गाते हैं। दीन न दुख हर न देव, और ये कौन सा जगह इसमें है, पेज नंबर 113 पे है। अजामी लगी व्याध इनमें कहो कौन साधु, अजामी लगी व्याध इनमें कहो कौन साधु। पंछी को पद पढ़ात, पंछी को पद पढ़ात गणिता सीतारी, दीन न दुख हरन देव। केसर छत्र देत, ध्रुव केसर छत्र देत प्रह्लाद को उबार लेत, ध्रुव केसर छत्र देत प्रह्लाद को उबार लेत। भक्त है तू बांध्यो से तू, भक्त है तू बांध्यो से तू, लंका पूरी जारी दुख हरन देव, तन हितकारी दीन। गज को जब ग्राह ग्रस्यो दुशासन चीर खस्यो, गज को जब ग्राह ग्रस्यो दुशासन चीर खस्यो, सभा बीच कृष्ण 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 कृष्ण, सभा बीच कृष्ण 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 कृष्ण, सभा बीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी, दीन न दुख हरन देव कंदन हितकारी। इतने में हरि आ ही गए, इतने में हरि आ ही गए वसन आरूढ़ भये, इतने में हरि सूरदास सूरदास द्वार ठाड़ो, सूरदास द्वार ठाड़ो आधरो भिखारी, दीन न दुख हरन देव कंदन हितकारी, दीन न दुख हरन देव, दीन न दुख हरन देव, दीन न दुख हरन देव कंदन हितकारी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ भगवान ऐसे हैं कि अपने भक्तों के लिए दौड़ पड़ते हैं। यहाँ पे अपने उनकी भक्त उनकी खुद की पत्नी उनके लिए, उनको वापस लाने के लिए इतना बड़ा सेतु बनाया उन्होंने, हाँ, लंका में, वहाँ पे सागर में और लंका में चले गए। और फिर गजराज की ग्राह से मुक्ति की, उसके लिए पहले गरुड़ के ऊपर बैठे, फिर गरुड़ की स्पीड कम थी इसलिए खुद उड़ के वहाँ पे पहुँच गए और उनकी रक्षा की। और द्रौपदी जी का तो उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, तो सभा भीच जब उनकी उनको वस्त्र उनका चीर हरण किया जा रहा था, तो उस वक्त उन्होंने भगवान को पुकारा, तो भगवान वहाँ पे गए और वस्त्र का अवतार लिया खुद और उनके वहाँ पे लज्जा रक्षण किया भगवान ने। ऐसे भगवान है तो
तो इसीलिए उनका गमन बड़ा मीठा है। अगर हमको भी अपना गमन गमनम मधुरम करना है तो केवल फालतू में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अगर भटकना है तो किसी की सेवा के लिए जाओ, हाँ, किसी की मदद के लिए गमन करो, तो वो भी वो गमन कैसा होगा, बड़े मधुर होगा। हाँ, तो या फिर कहाँ भ्रमितम मधुरम बाद में आने वाला है भ्रमण, तो उस वक्त बाद में और थोड़ा चिंतन करेंगे। अच्छा, अभी इतना काफ़ी है। अच्छा, अभी हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, भगवान का गमन यानी चलना भी मधुर है। मधुराधिपते है अखिलम मधुरम, ऐसे मधुरापति भगवान का सब कुछ मधुर है ऐसा कहते हैं। कैसे भी सब कुछ मधुर कैसे बन जाता है, जैसे मधुर यानी एक स्वीट अगर केक आपको दिया जाए तो आप उसको दहने से खाएंगे काट के, या बाएं से खाएंगे, या सामने से खाएंगे, पीछे से खाएंगे, वो मधुर कहाँ पे होगा, कहाँ से होगा मधुर? हाँ, सामने से, हाँ, कहाँ से होगा बताओ, सिंपल क्वेश्चन, सब जगह से। अच्छा, सब नहीं तो आप केक काट लेके आओ एक दिन, हम काट के देखेंगे कोई डाउट है तो किसी भी जगह से खाओ आप, वो तो मधुर ही होगा। वैसे भगवान का वो मधुराधिपति होने की वजह से उनका हर एक उनका जो उनकी क्रिया जो है, उनकी लीला है, उनका अंग जो है, जो भी आप कहो उनसे संबंधित सब कुछ मधुर ही मधुर है। हाँ, क्योंकि वो मधुरा के मधुरता के अधिपति है। तो अभी मैं नया विषय नहीं शुरू करूँगा, लेकिन एक और भजन गा के हम पूरा करेंगे। और ये बड़ा सुंदर और बहुत लोगों के लिए नया भी हो सकता है। इस भजन में भगवान के जो मधुरता का वर्णन किया है, जैसे श्री रामचंद्र कृपाल भजन मन, उसमें उन्होंने वहाँ पे नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पंजा कंज कर कंज आरोणम, ऐसे सब कुछ कहा है ना, तो ऐसे उसी प्रकार यहाँ पे एक सुंदर भजन है सिमिलर टाइप, वहाँ पे भगवान कृष्ण का सब कुछ मधुर है ऐसा यहाँ पे बताया, सुंदर कैसा है ये बताया है। नंबर टू, चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम अशरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम श्रीशाम 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 मोरमुकुट चेत्रमणिमय मकर कुंडल धारिणम मुख चंद्र द्विति नख चंद्र द्विति पुष्पित निकुंज विहारिणम श्रीशाम श्रीशाम। मुस्कान मुनि मन मोहिनी चितवन चपल वपुनटवरम वनमाल ललित कपोल मृदु अधरन मधुर मुरलीधरम श्रीशाम वृषभानुनन्दिनि पामदिशि शोभित सुभग सिंहासनम ललितादि सखी जिन सेवहि करि चवर छत्र उपासनम श्री
श्याम श्री श्याम। इति वदति कवि जय राम देव महेश हृदयानन्दनं बीजे दरस प्रिय प्राणधन मम विरह कंसनिकंदनम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजो मन नंदनंदन सुंदरम अशरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम श्री कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना कृष्णा कृष्णा कहिए कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण अच्युतानंद गोविंद माधव अच्युतानंद सच्चिदानंद नारायण हरे सच्चि कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण गोविंद नारायण हरे भगवान की। कल हम दूसरे श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे और सुंदर सुंदर भजन गाएंगे और सुंदर बातें देखेंगे सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।